नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक इन हिंदी में। आज की बड़ी खबर, भारत सरकार की तरफ से मिलेंगे 36,000 रुपये। जी हाँ, लेकिन सरकार के इन शर्तों का करना होगा पालन। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड यूजर है तो सावधान हो जाए, छोटी सी गलती के कारण भरना पड़ सकता है 10,000 का जुर्माना। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जो आप 18 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जिस युवा की उम्र 20 से 25 साल की है वो युवा अप्लाई कर सकता है इस भर्ती के लिए। अगली बड़ी खबर BSNL की तरफ से आ रही है, जो बिना रिचार्ज के दे रही है 50 रुपये का टॉक टाइम। कैसे मिलेगा और कौन सा नंबर डायल करना होगा ये आगे बताएंगे। अगली बड़ी खबर WhatsApp से आ रही है, जिसमें WhatsApp लॉन्च कर रही है नया फीचर, जिसमें एक अकाउंट से चला पाएंगे 4 डिवाइस। जी हाँ, अब आप WhatsApp 4 डिवाइस में चला सकते हैं, जो कि अब से आप पहले एक ही फ़ोन में चला पाते थे। इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर हमारी मेहनत को सफल करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की बड़ी खबर शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, भारत सरकार की तरफ से मिलेंगे 36,000 रुपये। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी से लेकर व्यापारियों तक के लिए कई तरह की विशेष स्कीम चलाई जा रही है। फिर चाहे सुकन्या समृद्धि योजना या किसान विकास पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन स्कीम चल रही है। इन स्कीम की मदद से सभी को तरह तरह के फायदे हो रहे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनकी मदद से किसानों, व्यापारियों और गरीब मजदूरों को हर महीने तय आय हो सकती है, और इन योजनाओं के तहत उनके बैंक खाते में सालाना 36,000 रुपये तक आ सकते हैं। यह योजनाएं छोटे किसानों के अलावा व्यापारियों और मजदूरों के लिए है। PM किसान मानधन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए PM श्रम योगी मानधन योजना है, जो आपको हर महीने तय रकम देती है। इन योजनाओं का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। हालांकि इन योजनाओं की शर्तें पूरी करना जरूरी है, तभी व्यक्ति इससे मिलने वाली आय या पेंशन का हकदार हो सकता है। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड यूज करते हैं और यूज करते समय छोटी सी गलती की तो आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने को लेकर अब तक कई अपडेट आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन और आधार नंबर को एक दूसरे की जगह उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह भी जान लें कि पैन कार्ड की जगह आधार नंबर का उपयोग करने में की गई छोटी सी गलती आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लगवा सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने पैन आधार इंटरचेंजबिलिटी नियम को नोटिफाई कर दिया है, और इसके बाद आपको अपने पैन नंबर की बजाय आधार नंबर देने में ज़्यादा सावधानी बरतना होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 272B में संशोधन किया है, और इसके बाद पैन नंबर के बदले आधार नंबर को कोट करते हुए यूजर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर सीधे तरीके से 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसका अधिकार आयकर टैक्स अधिकारी को होगा। यह जुर्माना एक बार नहीं बल्कि बार बार गलती करने पर बार बार लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी विभाग में सब इंस्पेक्टर का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जो आप 18 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, और जिसकी उम्र 20 से 25 साल है वो युवा इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर BSNL की तरफ से आ रही है, जो बिना रिचार्ज के 50 रुपये का टॉक टाइम दे रही है। BSNL ऐसे यूजर के लिए लोन ऑफर लेकर आया है जो अभी किसी वजह से अपने नंबर पर रिचार्ज नहीं करा सकते। ओनली टैक की रिपोर्ट के मुताबिक BSNL की ओर से बिना रिचार्ज करवाए यूजर्स को 50 रुपये तक का लोन इस ऑफर के तहत दिया जा रहा है। यूजर को इन तरह से अलग अलग टॉक टाइम लोन ऑफर मिल सकता है। इसके लिए आपको डायल करना होगा *511*7#। इसको डायल करने के बाद आपके स्क्रीन पर लोन ऑफर आ जाएगा, तो जो आपको सुटेबल हो वो लोन ऑफर आप ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर WhatsApp से आ रही है, जिसमें WhatsApp लॉन्च कर रही है एक नया फीचर, जिसमें आप एक अकाउंट से 4 डिवाइस चला सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अब तक आप अपना WhatsApp एक ही मोबाइल में चला सकते हैं, लेकिन WhatsApp ने नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप 4 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp जल्द ही अपने यूजर को एक खास तोहफा देने जा रहा है। WhatsApp पर जल्द ही मल्टी डिवाइस फीचर रोल आउट किया जा सकता है। इसके जरिए यूजर्स एक अकाउंट को एक साथ
चार डिवाइसेस में उपयोग कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तकनीकी टीम इस फीचर पर लंबे समय से काम कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही बड़ी बड़ी और मज़ेदार खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।